जनता दल यूनाइटेड गिरिडीह जिला द्वारा महात्मा गांधी एवं शास्त्री जी के चित्र पर मालार्पण कर जयंती धूमधाम से मनाया। बताया जाता है जिला अध्यक्ष सरजू गोप व जुआ अध्यक्ष पवन कुमार वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष रुद्रकांत लाल, उपाध्यक्ष जवाहर केसरी इत्यादि लोग मौके पर मौजूद थे। इस दौरान सरजू गोप ने कहा कि हम सबों को महात्मा गांधी के बताए हुए रास्तों पर चलने की ज़रूरत है। इधर पवन कुमार वर्मा ने कहा कि अगर हम महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के पद चिन्हों पर चलते हैं और हम सभी मिलकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से समाज का एक नया कीर्तिमान स्थापित होगा। हालांकि इन दिनों और वर्तमान समय में देखा जाए तो लोग नहीं मान रहे हैं, उन लोगों को मानने की ज़रूरत है। इधर पवन कुमार वर्मा ने कहा कि आने वाले समय में हम सबों को एकजुटता का परिचय देकर के लाल बहादुर शास्त्री व महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलने की जरूरत है। बेंगाबाद से जगन्नाथ प्रसाद की रिपोर्ट। जिला के आप सदस्य भी हैं जदयू से, बताएंगे। हाँ सर, आज 2 अक्टूबर महात्मा गांधी के जयंती पर मैं युवा जिला अध्यक्ष गिरिडीह जिला से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रेरित करता हूँ कि उनके बताए हुए मार्ग पर चले। अहिंसा परमो धर्म का जो वाक्य था वो उसी को अपनाने से हमारा देश से बहुत आगे बढ़ सकता है। और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर बने रहे BNB से और देखते रहे कब, कहां और कैसे, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत में जयते, वंदे मातरम।